जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्यों न के जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में ऐसा दोस्त शामिल करो जो आईने और साए बनकर साथ रहे, क्यों न के आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को हराएं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर ये ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। हौसला चांद को पाने का होना चाहिए, क्यों न कि अगर आप नाकाम भी हों तो तारों के दरमियान जरूर रहेंगे। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करेंगे। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, इनकी खुशियों में भी कभी कमी नहीं आती। दोस्त वो है जो जालिम और ज्यादती करने से मना करे और एहसान और नेकी करने पर मयान व मददगार हो। जिन रिश्तों की बुनियाद ही लालच पर हो, वहाँ से किसी भी एहसास की उम्मीद खुशफहमी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्यों न कि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। किसी की खुशियों में शरीक होने से इनकी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं, और किसी के गम में शरीक होने से इसके गम कम हो जाते हैं। अकलमंद और बेवकूफ़ में ये फ़र्क है कि अकल वालों को अपनी गलती नज़र आ जाती है और बेवकूफ़ इसकी गलती दुनिया वालों वाले बताते हैं। खामोश रहने के 6 बड़े फायदे। खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद देती है। खामोशी आपके जहनी तनाव स्ट्रेस को कम करके आपको बाशऊर इंसान बनने में मदद देती है। खामोश रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन खामोशी बहुत बेहतरीन इंतकाम है। खामोशी किसी को बताने का ये बेहतरीन तरीका है कि आपने अच्छा नहीं किया। अहमक अपनी ज़ाबात से और अकलमंद अपनी खामोशी से पहचाना जाता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि मुस्कुराने पर भी आपको अजर मिलता है, और यहाँ तक कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में तारों की तरह होते हैं, बहुत ही मदम मगर ठंडक और सुकून बख्शने वाले, जो आपके साथ बहुत खामोशी से सफ़र करते हैं।